guys, I bought all of this from the Chandni Chowk Music Market. So are you guys ready for the unboxing? So what are we waiting for? Let's get started! ओके गाइस, सो ये सारी आइटम है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़े बॉक्सेस तो हैं दो स्पीकर्स के. एक है 6.5 इंच कोएक्सियल स्पीकर फ्रॉम वीवा. आई डोंट नो कि कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ क्वालिटी. वहाँ पे मैंने देखी थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने ले लिया. एक है J3L का 6x9. ये कह रहा था कि वो भाई ये इंपोर्टेड मॉडल है, कॉस्ट भी ज़्यादा थी. मैं कॉस्ट आपको गाइस सबकी बताऊँगा, बट जो मुझे कॉस्ट मिलती है वो अलग होती है क्योंकि मैं थोड़ी रिटेल प्राइस नहीं होलसेल प्राइस लेता हूँ, क्योंकि ब्रांड नेम की वजह से आपको थोड़ा सा फ़र्क वहाँ पर मिलेगा. एंड फॉर दिस बिल्ड जिसके बारे में बताया था, जिसके लिए बेसिकली J3L आया है, ये नहीं ये किसी और प्रोजेक्ट के लिए, ये जो J3L आया है ये इनके साथ चलने वाला है. एंड एक IGL का सबवूफर भी है जिसके बारे में शायद मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बता दिया होगा. ये तो बेसिकली सीरीज का थर्ड वीडियो. एंड ये देखो इसके अंदर एक एम बोर्ड है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको, आराम से दिखाऊंगा, टेंशन मत लो. इसके अंदर भी एक और एम बोर्ड है, इसके अंदर पावर सप्लाई है, इसके अंदर गाइस धनिया मिर्ची है, ये मैंने बस समझ लो ले लिया. एंड अभी आपको दिखाऊंगा बाद में. ओके गाइस, सो टाइम फॉर द J3L JL6 एंड CO6x9 3-way coaxial स्पीकर्स विच इज 50 watts RMS. एंड इस कंपनी ने ये चीज़ बहुत अच्छी की है कि RMS एकदम एक्यूरेट लिखा है, जबकि पीक इन्होंने कुछ ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक लिख दी है, 1200 watts, जो कि एक सबवूफर के लेवल की है, एंड वो भी एक अच्छे सबवूफर के लेवल की. सो नेवर लुक द पीक, ये कुछ भी बोलते हैं यार. सो 50 watts RMS, फैंटास्टिक, एकदम सच है. एंड ये कुछ बॉक्स आया दिखता है ऑरेंज कलर का, एंड उन्होंने कहा था कि ये कोई इम्पोर्टेड मॉडल है J3L का, बट ठीक है, मतलब अच्छा लगा तो ले लिया. एंड यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 6x9 inch with rubber with polypropylene with mica injection woofer, 1200 watts peak power and 50 watts RMS. How stupid is that? 25mm 4-ohm impedance, ASV voice coil, magnet 86mm 14 ounce मैग्नेट, तो यार उसका 40 ounce का था, वीवा के स्पीकर का इसका 14 ounce. आई थिंक ये भी गलत लिखा है यहाँ पे, मिस प्रिंटिंग हो सकती है गाइस, मिस प्रिंटिंग. सो आई डोंट नो, 57mm माइलार एंड 13mm माइलार ट्वीटर, सो दोनों माइलार बट साइजेस का डिफरेंस. सेंसिटिविटी 19 decibels, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 60 to 20,000 hertz. ओके, सो इट इज टाइम टू अनबॉक्स दिस, राइट? खुल जा सिम सिम, थोड़ा सी खुल गया. सो सबसे पहली चीज़ हमें क्या दिखती है, ओके सो गाइस यहाँ पे थोड़े से स्क्रूज मिले हैं, विच इज ऑलवेज गुड. आई होप वायरिंग भी हो, उसके अंदर मजा आ जाएगा. एंड चलो उसे बाहर निकाला जाए, जा जा. पर आई थिंक इसमें वायरिंग है नहीं, उस टाइम हमने चेक किया था बॉक्स, और बॉक्स नहीं चेक किया था, खाली स्पीकर चेक किए थे, तो हमें तो वायरिंग दिखी नहीं थी वहाँ पे. सो इस साइड वायरिंग, एक पेपर मिला है एंड इधर भी कोई वायरिंग नहीं है, सो नॉट गुड. सो एक इसका मैनुअल, J3L यूजर मैनुअल, विच इज लुक्स नाइस, देखते हैं अंदर क्या है. ओके, कोएक्सियल स्पीकर, बेस स्पीकर, कंपोनेंट स्पीकर, इनके अलग अलग मॉडल्स हैं, ये सारे यहाँ मेंशन किए हुए हैं. एंड हमारा मॉडल है ये वाला JN69CO, एंड ये 6.5 या 6.0 है, तो एक कोएक्सियल एक कंपोनेंट है विच इज़ नाइस. एंड दे हैव इवन प्रोवाइडेड विद द TS स्मॉल पैरामीटर्स विच इज़ नाइस, बट स्पीकर्स के लिए हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती इन सब चीज़ों की, सब ऊपर के लिए बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसका इंक्लोजर हमें डिज़ाइन करना होता है, सो विच इज़ नाइस एंड नॉट नाइस. अब ठीक है, चलो जो मिल गया खुश रहो यार. सो इसके अंदर बस ये बताया हुआ कि कैसे चलाना है, कहाँ लगाना है एंड और भी कई चीज़ें. सो इसको साइड में रखते हैं एंड यहाँ पे इसको निकालते हैं बाहर. ओके, ऑरेंज कलर का स्पीकर विच इज़ नाइस. आजकल कलरफुल स्पीकर्स आने लग गए हैं, हमारा वीवा भी दूसरा येलो कलर का था, ये ऑरेंज है, फैंटास्टिक, राइट? एंड IGL JBL का यूजुअली कलर रहता है वो भी ऑरेंज ही. एंड ये लो जी, हमारा स्पीकर आ गया बाहर. सो गाइस चेक दिस आउट, J3L. ये इसकी ग्रिल है, समवॉट सिमिलर टू दोज वीवा 6.5 इंच कोएक्सियल्स. एंड बस इसका है कि इसमें सेपरेट माउंटिंग नहीं है, इसको खाली ऊपर ही रखना है. एंड ये का स्पीकर का फ्रंट लुक विच लुक्स रियली रियली कूल. एंड ये ऑरेंज कलर का अच्छा है, कोई टेक्सचर नहीं, एकदम स्मूथ है एंड कोन अच्छा है, मतलब पॉलीप्रोपिलीन है, काफ़ी अच्छा है, साउंड भी अच्छी है, मतलब कोई कंप्लेंट्स नहीं मेरी फ्रंट से तो. एंड ये यहाँ पे उसमें एक्चुअली दो ट्वीटर्स के बारे में लिखा था, यहाँ पे तीन निकले, एक ये छोटा ये 13mm का होगा, ये 57mm का होगा एंड एक और है यहाँ पे, ये बीच में 25mm मान लेते हैं इसे. सो नाइस. एंड ये है गाइस इसका बैक साइड, इसके ऊपर भी मैग्नेट के ऊपर कवर लगा हुआ है, सो नॉट बैड एट ऑल. एंड ये ऑरेंज कलर का स्पीकर अच्छा लग रहा है, पर पीछे का एरिया तो खैर दिखेगा ही नहीं, दिखना तो फ्रंट है, वो भी ग्रिल दिखनी है. सो चलो जो है सो है, गुड क्वालिटी. एंड गाइज ये हमें मिला है अप्रॉक्सीमेटली 1500 rupees का पेयर, एंड वीवा मिला था अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 800 rupees का पेयर.
एंड ये गाइस हमें मिले थे होलसेल प्राइसेस. आई डोंट नो कि होलसेल भी है या हमें बेवकूफ बनाया. ये गाइस तो जो वहाँ पे रोज जाता है वो बता सकता है, बट जिस हिसाब से मैंने बात की थी उस हिसाब से लग रहा था कि इस स्पीकर में जो बात नहीं की उस स्पीकर में जिस शॉप से वीवा लिया था वहाँ से डेफिनेटली बात की थी. उसके बाद और भी कई चीज़ें थी शायद मैं कुछ वहाँ से उठा लाऊँ, आई डोंट नो. एंड ये अच्छे तीन होल्स बता रखे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलती है. एंड स्पाइडर भी ठीक है, फर्स्ट क्लास है, मतलब 6x9 स्पीकर के हिसाब से सही है एकदम, शायद आपको दिख रहा हो अंदर तक. ओके सो ये अभी कुछ ऐसा लग रहा है. J3L का गाइस यहाँ पे है एक लोगो. एंड उसके बाद अगर इसकी ग्रिल मैं इस पर लगाऊँ तो ये कुछ लगेगा ऐसा. ग्रिल के साथ भी मस्त लग रहा है ना, जो जस्ट पोर्टेबल बूम बॉक्स पे इसको बनाना है, नॉट पोर्टेबल बट वायर्ड बूम बॉक्स. एक ही वायर इसमें पावर की हमें देनी है, पर उसके हिसाब से ये बहुत सुंदर लगेगा वहाँ पे, ऐसा लगा हुआ सीधा लगेगा वहाँ पे. सो बिल्ड स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. सो ये तो रही इसकी अनबॉक्सिंग. एंड दूसरा स्पीकर भी एग्जैक्टली द सेम है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. तो बिल्कुल ही नहीं खोला हुआ है, देखो बिल्कुल ही पैक है. यहाँ पे टेप भी लगी हुई है इसकी. सो मैं सोच रहा हूँ इसको भी खोलने का कोई फायदा नहीं, जब इसकी टेस्टिंग करेंगे तभी खोलता हूँ इसे, अदरवाइज कुछ होगा तो नहीं. ठीक है. सो गाइस ये तो थी J3L के 6x9 की अनबॉक्सिंग. अब चलते हैं जो एम्पलीफायर किट्स मैं लेके आया हूँ उनके पास. ओके सो नाउ इट्स टाइम टू सी द एम्पलीफायर किट्स. एंड आई नो गाइस द कार ऑडियो एम्पलीफायर्स आर क्वाइट अ बिट डिफरेंट, एंड दीज बोथ ऑफ देम आर द टू चैनल वंस. एंड ये गाइस एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है. सबसे पहले आपको मैं यही पावर सप्लाई दिखाता हूँ. इट्स अ 12 वोल्ट 400 वाट्स पावर सप्लाई विच इज 30 एम्पेयर्स एंड इट लुक्स लाइक दिस. एंड ये विद वारंटी है, चेक दिस आउट गाइस. ये है एक पावर सप्लाई जिससे कि हम कार ऑडियो एम्पलीफायर्स भी चला सकते हैं, क्योंकि इट्स आल्सो रेटेड फॉर 11.5 टू 14.4 वोल्ट्स. एंड ये कंट्रोलेबल भी है. ये इसका वारंटी के लिए यहाँ पे लिख दिया है शॉप नंबर, जो भी 462 शॉप नंबर था यहाँ से हम लेके आए हैं साइन. एंड ये इसकी डेट. एंड आई डोंट नो कि वीडियो मैं आपके साथ लेटी शेयर करने वाला हूँ, सो प्लीज़ डू फॉरगिव मी फॉर दैट, क्योंकि कई चीज़ें मैं आपके साथ सेम टाइम पे शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यार एक बारी में चल रही होती हैं. मैं क्या क्या बताऊं आपको, बताता मैं सब कुछ हूँ बट थोड़ा सा डिले आगे पीछे हो जाती हैं चीज़, कोई पहले कोई बाद में. सो यहाँ पे इसकी गाइस इनपुट्स हैं एंड आउटपुट्स हैं. सो वेरी सॉलिड लुकिंग पावर सप्लाई, उसका रखना साइड में. सो सबसे पहले गाइस ये वाला एम्पलीफायर किट आपको मैं दिखाता हूँ. इट लुक्स लाइक दिस. एंड गाइस इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है कि पीक पावर रेटिंग कुछ ज़्यादा ही लिख देंगे एंड जो होता है वो कम होता है. सो ये है एक, ये है किट हमारी डेक्सा ब्रांड की. एंड ये है गाइस इसके साथ अटैच्ड एक इक्वलाइजर बेस ट्रेबल एंड वॉल्यूम का. सो ये सारा कुछ अटैच है इसके साथ, यहाँ पे वायरिंग के साथ प्रॉपर सॉल्डरिंग वगैरह सब कुछ होता है. एंड ये गाइस नॉट टू मच पावरफुल, बट इसके अंदर 30 एम्पेयर का फ्यूज है. एंड लिखा 30 एम्पेयर है, लगा 40 एम्पेयर है. सो एंड इट इज रेटेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 150 वॉट्स RMS पर चैनल. इसके हिसाब से फ्यूज के हिसाब से 40 का लगाया, 30 वहाँ पर रिटर्न है, तो मैं 30 के हिसाब से आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट रेटिंग. मुझे इसको काफ़ी अच्छी तरह से कुछ और प्रोफेशनल टूल्स के साथ टेस्ट आउट करना पड़ेगा तभी बता सकता हूँ, पर मेरे पास ऑसिलोस्कोप ही नहीं है पहली बात, तो मैं इसको 100% एक्यूरेटली टेस्ट आउट नहीं कर सकता. सो अगर हम इसे 300 वॉट्स ना सही 250 to 225 वॉट्स बोथ चैनल का RMS डेफिनेटली है. एंड गाइस यहाँ पे भी चेकआउट करो, 90-100 वॉट्स लिखा है, जो कि शेयर स्टूपिडिटी है, कभी भी नहीं मानना. 2 बिग कैपेसिटर्स हियर, 1 मीडियम कैपेसिटर हियर, 1 कॉयल एंड मेनी अदर स्टफ. सो इट्स एन क्लास AB एम्पलीफायर, सो काफ़ी सही चल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा चल जाता है. मतलब मैंने पहले भी पास में ये चीज़ यूज़ की है एंड दिस थिंग रॉक्स. साउंड क्वालिटी इज़ वेरी गुड. एंड गाइस आपको इसको लेना हो तो इसका मॉडल मिनी HB 5.2 है. एंड आप ये इसकी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो कभी भी आपको लेना हो तो. आई एक्चुअली रिकमेंड दिस वन, सो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये. आपको जब मैं इसके कनेक्शन वगैरह करूँगा प्रॉपरली बताऊँगा कैसे कनेक्शन करना है, सो टेंशन मत लेना गाइस उसके लिए. सो ये यहाँ पे मैंने इसको वापस डाल दिया. एंड गाइस मैं आपको दूसरी एम्पलीफायर किट दिखाता हूँ. ये थोड़ी सी डिफरेंट है उससे, थोड़ी नहीं एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट है. सिस्टम ये लगा, ये MOSFET पे है एंड वो कॉयल पे है. सो ये थोड़ी सी बड़ी है उससे. चेक दिस आउट, चेक दिस आउट गाइस. इसके अंदर गाइस काफी बड़े जंबो साइज के MOSFETs लगे हैं. एंड इसका मॉडल नंबर है गाइस US 78. एंड इसमें खाली 1000 वॉट लिखा है एंड ये शायद पीक परफॉर्मेंस पे वहां तक चली भी जाएगी. ये भी गाइस टू चैनल एम्पलीफायर ही है. एंड इसके अंदर ये गाइस स्पीकर कनेक्शन हमें लगा हुआ मिलता है. इसके अंदर बस हमें स्पीकर की वायर जोड़नी है, इसको पावर देनी है, इसको सिग्नल देना है एंड यू गाइस कैन रन योर स्पीकर. सो ये है MOSFET वाली पावर सप्लाई, सॉरी एम्पलीफायर किट. एंड दिस इज US 78 स्पीकर राइट. अच्छा दोनों में राइट दिया है एंड पता नहीं. अच्छा स्पीकर कनेक्शन तो यही है यार, स्पीकर कनेक्शन. अच्छा ओके, सो जो नेगेटिव है दैट इज कॉमन ऑन दिस थिंग.
जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रीन वायर इज द नेगेटिव वन क्योंकि सेंटर में नेगेटिव्स हैं, तो ये नेगेटिव है एंड ये राइट, एंड दोनों में राइट क्यों लिखा हुआ है, कुछ भी करते हैं यार ये लोग, आई डोंट नो कि सिंगल चैनल तो नहीं है ये इसको टेस्ट आउट करना पड़ेगा। ये एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ, ये वाली डेक्सा वाली मैंने पहले भी यूज़ की हुई है, सो आई रिकमेंड दैट। इसको गाइस मैं आपको टेस्ट आउट करने के बाद ही बताऊंगा ये चीज़ है तो है क्या। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं पूरी डिटेल दे रहा हूँ आपको। सो गाइस इसको भी रखते हैं, ये तीन हो गई। अब आ रही है गाइस हमारी धनिया मिर्ची की जो कि वहाँ थैली में पड़ी है, उसको मैं लेके आता हूँ यहीं पर। वेलकम टू आवर धनिया मिर्ची गाइस, मैंने इसे थैली ओपन कर दिया है। सो सबसे पहली चीज़ यहीं पर दिख रही है, एक 5 मीटर की HDMI केबल। इसकी मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं फिर भी ले आया हूँ क्योंकि यार वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट में फ़र्क पड़ जाता है, एंड दिस फील्स लाइक अ डिसेंट HDMI केबल। एंड ये हमने इसको खोला, सो आप बताओ गाइस कैसी लग रही है, मतलब 5 मीटर्स लॉन्ग जो मेरा पर्पज़ है वो सॉल्व कर देगी, आई होप जिंदा हो। एक बार मैं इसको चला के देख लूँगा, अभी तक तो देखा नहीं। इसको रखते हैं साइड में। देन आई बॉट अनदर HDMI केबल, ये छोटे साइज़ की है, सो यार कभी भी ख़राब हो जाए, 1.5 मीटर की केबल तो काम आ ही जाती है ना, उसके यहाँ रखते हैं। देन आई बॉट समथिंग फॉर नैनो, एंड ये गाइस मैं पहले यूज़ कर लूँगा, आप लोगों को दिखा मैं बहुत लेट रहा हूँ, सो प्लीज़ अगेन फॉरगिव मी फॉर दैट। ये बेसिकली है सिंगल RCA इधर इनपुट के लिए, एंड यहाँ से 2 कनेक्शन हमें मिल जाएंगे आउटपुट में, सो ये ऐसा चलेगा कनेक्शन। एंड अबाउट अनदर चीप RCA केबल, RCA बेसिकली ऑडियो वीडियो केबल, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी थी क्योंकि इट्स मेड अप ऑफ कॉपर, एंड ये भी मैं पता नहीं कहाँ यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पे OFC लिखा है, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि OFC तो हमें पावर केबल्स में रिक्वायर्ड है, चलो इसमें भी है तो अच्छी बात है, बट ये नॉर्मल क्वालिटी, नॉट वेरी ग्रेट, नॉट वेरी बैड, बट इट डज वर्क एब्सोल्युटली फाइन। एंड ये बड़ी काम की चीज़ लगी थी गाइस मुझे, तो मैं चलो ले लेते हैं ये मैंने चलो गाड़ी में डाल ही दूंगा, अभी तक तो डाला नहीं। सो बेसिकली ये चिपकू हैं, एक साइड आप अपने डैशबोर्ड पे कहीं पे भी चिपका दो, शीशे पे या कहीं पर भी, एंड दूसरी साइड पे फोन चिपक जाता है मस्त एकदम। मैंने ट्राई किया था एंड इट डज इज फ्लेक्सिबल, देखो टूट जाएगा क्या पता नहीं, टूट भी सकता है क्योंकि ये बहुत ही सस्ता था, ओनली आई पे 25 रुपीज़ फॉर इट, सो 25 रुपीज़ के हिसाब से था एकदम ओके, तो ये हो गया। एंड आई हैव टू ऑफ देम, सो दो ये ले, बस यही सब था गाइस। So guys, there you have it with the unboxings of the Chandni Chowk stuff. I hope you guys like it. I know ye video thoda sa lamba ho gaya, but mujhe detail deni thi, to maine aapko detail de di. I hope you guys like it and don't mind that. So guys, that's it for this video. Agar aapko ye video sach mein mujhe acha laga, to please do consider subscribing. And guys, agar aap nahi ho mere channel pe, agar aapne ye video pehli baar, matlab ye first video aapne dekha hai, गाइस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, एक बारी प्लेलिस्ट एंड वीडियोस का सेक्शन आप ओपन करके देखो, आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। एंड उसके बाद शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड बहुत ही मजा करना। सो गाइस फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी और ऑसम से वीडियो में, जो कि आपको मैंने बताई दिया टेस्टिंग करनी है यार, ठीक है फिर मिलेंगे बाय, टेक केयर, सी या।